हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन लीगल चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगा म्यूजिक के कॉपीराइट के बारे में। देखो, म्यूजिक एक आर्टिस्टिक वर्क होता है जिसका आपको कॉपीराइट मिलता है। अब एक सॉन्ग के अंदर बहुत सारे कॉपीराइट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि देखिए एक सॉन्ग में बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। किसी ने उसका लिरिक्स लिखा होगा, किसी ने बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया होगा, किसी ने बीट बनाई होगी, किसी ने गाया होगा, उसको हम सिंगर कहते हैं। फिर किसी ने उस वीडियो के अंदर परफॉर्म करा होगा गाने के साथ साथ, कोई डायरेक्टर होगा, कोई प्रोड्यूसर होगा जिसने पूरे सॉन्ग के ऊपर पैसा लगाया होगा। अब देखिए, आप कॉपीराइट एक्सप्रेशन का नहीं ले सकती हो जब तक आप पेन और पेपर लेके पेपर के ऊपर अपने आइडिया को रिटर्न डाउन नहीं करोगे, अपने एक्सप्रेशन को रियल वर्ल्ड के अंदर लेके नहीं आओगे, तब तक आपको उसका कॉपीराइट नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पेपर पे या रिटर्न फॉर्म में आपको अपने कॉपीराइट के लिए सॉन्ग को लिखना पड़ेगा, लिरिक्स को लिखना पड़ेगा, बीट को क्रिएट करना पड़ेगा और उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब काफ़ी सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर हम हमारे सॉन्ग के टाइटल का कॉपीराइट लेंगे, ट्रेडमार्क लेंगे। सॉन्ग का टाइटल कभी भी कॉपीराइट नहीं हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, लिख लो आज ही। प्लस अगर आपको लग रहा है कि आपको आपके सॉन्ग का ट्रेडमार्क मिले, मतलब टाइटल का, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे अगर सॉन्ग के टाइटल का ट्रेडमार्क पॉसिबल नहीं है तो प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी। देखिए इस चीज़ को समझिए, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, प्रोड्यूसर हैं जो सॉन्ग के टाइटल का ट्रेडमार्क लेते हैं, बट इसमें कंडीशन है। जब वो ट्रेडमार्क लेते हैं तो वो अपने उस टाइटल को कहीं पे यूज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विस में। जैसे टेलर शिफ्ट है, टेलर शिफ्ट के पास आज के टाइम में 200 प्लस ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है उनके सॉन्ग्स के टाइटल के, और काफ़ी सारे लिरिक्स के लाइन उन्होंने ट्रेडमार्क करवा रखे, जैसे शेक इट ऑफ, दिस सिक बिट, और काफ़ी सारे ट्रेडमार्क्स आपको इंटरनेट पे इनके मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे टेलर शिफ्ट जैसे उन्हें कैसे ट्रेडमार्क ले लिया जबकि सॉन्ग के आर्टिस्टिक वर्क का कॉपीराइट मिलता है, ट्रेडमार्क नहीं मिलता है। देखिए टेलर शिफ्ट क्या करती है, कोई वो फेमस गाना गाती है, उस सॉन्ग के टाइटल होता है, उससे वो ट्रेड चालू कर देती है। अब वो चाहे टी शर्ट बेचे, जीन्स बेचे, मर्चेंडाइज बेचे, कुछ भी बेचे, वहाँ पे वो प्रोडक्ट और सर्विस लेकर आ जाती है। उससे क्या होता है, प्रोडक्ट और सर्विस क्लास के अंदर जाके वो ट्रेडमार्क ले लेती है। और डिटेल में समझाता हूँ, मूवीज़ के टाइटल का कोई कॉपीराइट नहीं होता, कोई ट्रेडमार्क नहीं होता, बट अगर आपने एक बिजनेस क्रिएट कर दिया टाइटल से, जैसे डॉन सीरीज़ है, डॉन सीरीज़ अब एक बिजनेस अपने आप में बन चुका है, तो डॉन 1, डॉन 2, डॉन 3, डॉन 4, सेम विथ क्रिश, क्रिश 1, क्रिश 2, क्रिश 3, अब क्रिश 4 आ रही है। तो यहाँ पे जब भी ये रिलीज़ करते हैं तब ये नहीं बोलते हैं हम क्रिश 4 को लेकर आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये बोलते हैं क्रिश 4 फ्रेंचाइजी आ रही है। तो वहाँ ये फ्रेंचाइजी वर्ड लगा देते हैं, उसको फ्रेंचाइजी बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये वहाँ से क्लास 41 के अंदर जाके ट्रेडमार्क को फाइल कर देते हैं। अब देखिए, अगर आप कोई भी फेमस ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो और वो लिरिक्स, मतलब जो वर्ड्स हैं वो आपके सॉन्ग के अंदर है, तो वहाँ से उन वर्ड्स को उठा के आप ट्रेडमार्क करवा सकते हो। काफ़ी सारे आर्टिस्ट ऐसा ही करते हैं, इवन बादशाह, हनी सिंह, जब मैं इनके ऊपर रिसर्च कर रहा था, इनके सारे सॉन्ग्स मैंने देखे कैसे कॉपीराइट फाइल करते हैं, कैसे उसको मोनेटाइज करते हैं। और देखिए इस समय मैं काफ़ी सारे इंडियन सिंगर्स के लिए काम कर रहा हूँ, उनको IPRs में मदद कर रहा हूँ, बट प्राइवेसी पॉलिसी के चक्कर में मैं कैसे उनके लिए काम कर रहा हूँ, कैसे उनको हेल्प आउट कर रहा हूँ, कैमरा के सामने रिवील नहीं कर सकता। और डिटेल में आपको थोड़े एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए रीमिक्स आज के टाइम में इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस चल रहा है। एक फेमस सॉन्ग आया था बादशाह का, जिसमें जैकलिन ने भी एक्टिंग करी थी, पायल देव ने उसके अंदर अपनी आवाज़ दी थी। अब जो सॉन्ग के लिरिक्स थे ना, वहाँ पे कुछ उन्होंने पार्ट एक कोलकाता सिंगर से कॉपी करा था, वो था बोरो लोकर बिटी लो, रतन कहाड़ ने इसको गाया था, बट गेंडा फूल के अंदर उनको क्रेडिट नहीं दिया गया। इसके चक्कर में काफ़ी सारे केसेस फाइल हुए, काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट हुए, सोशल मीडिया पे कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई। और थोड़ा आपको एग्जांपल दूं तो 80s में काफ़ी फेमस सॉन्ग था लैला में लैला, उसको शाहरुख खान ने 2017 में रईस में अपनी भूमि में वापस रिपीट करा। अब देखिए हुआ क्या, ये लोग कहते हैं कि हमने बीट्स को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, लिरिक्स का कोई राइट होता नहीं है, लिरिक्स से इन्होंने कुछ वर्ड्स निकाल लिए, पूरा लिरिक्स नहीं उठाया, लिरिक्स से कुछ फेमस वर्ड उठा लिए, जैसे लैला में लैला, ऐसे फेमस वर्ड्स को उठाया, नए बीट्स को क्रिएट करा, नया म्यूजिक क्रिएट करा और उसको मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। तभी तो अमेरिकन्स क्या करते हैं, जैसे शकीरा ने करा या फिर बाकी टेलर शिफ्ट ने करा, कि फेमस वर्ड्स, जो वर्ड्स ज़्यादा फेमस हो गए उनका वो ट्रेडमार्क ले लेते हैं गुड्स और सर्विस लॉन्च करके, जिससे कभी भी फ्यूचर के अंदर कोई उन वर्ड्स को यूज़ करके मोनेटाइज ना कर पाए, अपने सॉन्ग में यूज़ ना कर पाए। तो देखिए हर सिंगर रास्ते निकालता है जब कोई वीक होता है या लॉ के अंदर लूपहोल्स होते हैं। अब एक चीज़ को समझिए, कॉपीराइट फियर यूज़, ये क्या होता है, कॉपीराइट फियर यूज़ ये होता है कि अगर आप किसी के भी कॉपीराइट मटेरियल को यूज़ करते हो तो वहाँ पे वो आप पे केस फाइल नहीं कर सकते हैं।
इसके अंदर कुछ कंडीशन है। पहली चीज, आप सामने वाले से कुछ मोनेटाइज नहीं कर सकते हो। दूसरी कंडीशन, डिफेम नहीं कर सकते हो। तीसरी कंडीशन, आप सामने वाले के कॉपीराइट मटेरियल को यूज़ करके थर्ड मीनिंग या कोई अदर मीनिंग जनरेट नहीं कर सकते हो। बट आप लोग ये सोच रहे होंगे, ये न्यूज़ एजेंसीज मार्केट से कंटेंट उठाती है कंपनीज का, जैसे अगर रिलायंस के बारे में, बायजूस के बारे में, किसी के बारे में भी कुछ कह रही है, तो वहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, अगर कोई न्यूज़ एजेंसीज बायजूस के डाउनफॉल के बारे में बता रहे हैं, सबसे पहली बात, बायजूस के डाउनफॉल के लिए वो मार्केट से डेटा उठा के लाए, फैक्ट्स उठा के लाए, हवा हवा में कोई बात नहीं कर रहा। दूसरी चीज़, ये मोनेटाइज करते हैं खुद के कंटेंट से। जब इन्होंने खुद के लिए ग्राफिक्स बनाए, मोशंस करे, वहाँ पे सब कुछ क्रिएट करा, उस चीज़ से न्यूज़ बना के ये मोनेटाइज कर रहे हैं, तो वहाँ से ये अपना एक प्रोटेक्शन क्लेम करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो फेयर यूज़ भी काफ़ी अच्छा टर्म होता है कॉपीराइट एक्ट के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आप एक गाना लिख रहे हो, म्यूज़िक बना रहे हो, सॉन्ग को कंपोज कर रहे हो, उसमें पैसा लगा रहे हो, तो कॉपीराइट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप एक यूट्यूबर हो, यूट्यूब पर म्यूज़िक रिलीज़ करते हो, तो भी आपको कॉपीराइट के बारे में इन डिटेल पता होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवाना है, ट्रेडमार्क के बारे में जानना है, पेटेंट्स के बारे में जानना है, IPRs के बारे में जानना है, तो हमारी वेबसाइट sonysvision.in पे आप विजिट कर सकते हो, या डायरेक्टली इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, मेरी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। आपको मेरे से कनेक्ट होना है, आप मेरे को इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन के ऊपर फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो क्लियर नहीं हुई हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन के अंदर अच्छे से आप लिखिए अपनी प्रॉब्लम को। अगर मुझे आपकी प्रॉब्लम अच्छी लगेगी, तो मैं एक डिटेल वीडियो उस प्रॉब्लम के ऊपर लेकर आऊँगा सेम यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, जिससे हम जैसे ऐसे काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड वीडियो लेकर आएँ, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।